नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेत्रा शोका जी, जिनकी न सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई है बल्कि व्यक्तिगत कुंडलियों को लेकर भी की गई भविष्यवाणियां हमेशा सटीक बैठी है। सर, सबसे पहले तो आपका एक बार फिर स्वागत है। नमस्कार। टेक्सास में मोदी मोदी कहें, अमेरिका में मोदी मोदी, या फिर यूं कहें कि हाउडी मोदी में भी मोदी मोदी। जी हाँ, पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा इस बार बिल्कुल यादगार रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ट्यूनिंग देखी गई, उससे एक बात तो साफ हो गई कि एक बार फिर सन बेत्रा जी की भविष्यवाणी सच हो गई है। जी हाँ, मैं उसी भविष्यवाणी की बात कर रही हूँ जिसमें सन बेत्रा जी ने यह कहा था कि भविष्य में पीएम मोदी की गिनती इंटरनेशनल लीडर्स में होगी और देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी के अगल बगल कोई भी नेता टिक नहीं पाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो कहें कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हमारे खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक ट्रायंगल बन गया है तीन राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, इनके बीच में आगे कैसे संबंध रहने वाले हैं? क्या ये एक दूसरे के हितों को देखते हुए एक दूसरे का साथ देंगे नहीं देंगे? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अमेरिका वहीं अपने हाथ डालता है जहां उसका इंटरेस्ट होता है। तो जिस तरीके का ट्यूनिंग देखी गई, क्या डोनाल्ड ट्रंप जी पीएम मोदी जी का साथ देंगे, भारत का साथ देंगे नहीं? मतलब तीनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मतभेद रहेंगे, कैसे रिश्ते रहने वाले हैं भविष्य में? आइए एक बार फिर जानते हैं संत बेत्रा जी से। सर, देखिए, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं एंड आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट माननीय आपके डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, ही इज़ वेरी शार्प पर्सन, वेरी शार्प। उन्होंने जो इस पाकिस्तान की केस हिस्ट्री को स्टडी किया 9/11 के बाद, जो वहाँ हुआ था, 9/11 ही था ना, 9/11 के बाद जो हुआ, केस हिस्ट्री को जब स्टडी किया और उसके बाद में उनको जब ये पता लगा कि ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान की शेल्टर में है और पाकिस्तान की खास सिक्योरिटी में बैठा हुआ, बीच में आर्मी की खास सिक्योरिटी के बीच से उसको जो उठाया, उसके बाद उनको ये बात तो क्लियर होगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पास्ट में जो यूज़ किया है वो गलत किया है और उसका कहीं पे भी पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। वो आपका डोनाल्ड ट्रंप और आपका पाकिस्तान के, अगर हम वज़ीर आज़म इमरान खान जी की कुंडली को देखते हैं तो उसमें आपस में जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है वो सबसे कम है, और सबसे कम होने के कारण, न्यून होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब पाकिस्तान को अपना मित्र नहीं, शत्रु की नज़र से देखते हैं, क्योंकि जिहादी एक्टिविटीज़ जितनी पाकिस्तान में हो रही हैं और अमेरिका के ही फंडिंग से जो पास्ट में हुई है, उन्होंने एक जिहाद का देश बना दिया पाकिस्तान, तो उसका कहीं पे भी जो है अगर आप देखते हैं तो उसका आपका अमेरिका भी कहीं जिम्मेदार है। और इस चीज को करेक्शन के लिए करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को हर तरीके की एड देना खत्म कर दिया। पाकिस्तान पास्ट के जितने भी उसके इंडिया के साथ समझौते हुए और उसके तुरंत बाद वहाँ से आर्मी का अटैक होता है या आपका ISI का कुछ अटैक होता है या उग्रवादी या आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करके आके यहाँ पे वारदात करते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अगर हम कैटेगरी में रखें तो वो दोस्त की कैटेगरी में नहीं है, वो इंडिया की भी दुश्मन की कैटेगरी में आता है। और इस चीज़ को, पाकिस्तान की इस हरकत को, जिहादी मानसिकता को, जितना ब्यूटीफुली माननीय मोदी जी ने इंटरनेशनली पाकिस्तान को नंगा किया जिहाद के ऊपर,
आतंकवादी ट्रेनिंग को के ऊपर जो उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा रखे हैं, जिहादियों को जो तैयार कर रहे हैं, उनको जो उनकी आर्मी ट्रेनिंग दे रही है, या ISI के सपोर्ट से जो वो लोग कार्य कर रहे हैं और हर देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जहाँ पे भी जो है ये लोग, इनकी अगर बुरी नज़र पड़ती है उस देश को ये डिस्टर्ब करने के लिए, तो इसलिए जो है पाकिस्तान इंडिया का भी दुश्मन हो गया। और माननीय डोनाल्ड ट्रंप को ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त नहीं है, वहाँ पे भी ये दुश्मनी निभा रहा है। और पाकिस्तान के जिहादियों ने ओपनली अमेरिका को चैलेंज भी किया और जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए उनको वार्न भी किया। तो दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान का भी दुश्मन, इंडिया का भी दुश्मन पाकिस्तान है, और अमेरिका के साथ भी वो उसने पास्ट के जितनी हेल्प मिलने के बाद जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो उसके बाद अमेरिका को भी ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान कहीं पे भी अमेरिका का दोस्त नहीं है, वो गुप्त रूप से शत्रुता निभा रहा है। तो इसलिए दोनों के दुश्मन जो हैं वो दोनों का दुश्मन है। इसलिए इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी, अमेरिका और पाकिस्तान की दुश्मनी को मद्देनजर रखते हुए जब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की कंपैटिबिलिटी को देखते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट। एक तो कंपैटिबिलिटी उनकी बेस्ट है, दोनों एक ही राशि की हैं, दूसरा एक ही नेचर की हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके की जाति पसंद करने वाले नहीं हैं, आतंकवाद को कहीं से भी किसी भी तरीके से वो आपको कभी भी प्रमोट नहीं होने देंगे, उसका खात्मा करेंगे। जो माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने टेक्सास की उसमें जो है भाषण में बता दिया कि वो इस्लामिक जिहाद को बढ़ने नहीं देंगे, अगर कहीं बढ़ रहा है तो उसका खात्मा करने में मोदी जी का साथ देंगे, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है। तो इस कारण, दो कारण, दुश्मन का दुश्मन दोस्त और इधर कंपैटिबिलिटी बेस्ट होने के कारण सुपर कंपैटिबिलिटी है आपकी मोदी जी और माननीय डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होने के कारण, इस ट्राइंगल में आपका इमरान खान जो है या पाकिस्तान जो है कहीं फिट नहीं बैठता, वो कहीं पे भी फिट बैठता नहीं है। और उसका जो है आपका प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये जो UN के उसके लिए जो गए हैं तो इनको जो रेड कारपेट आपका ट्रीटमेंट मिला है, माननीय मोदी जी को तो रेड कारपेट मिला है लेकिन उनके लिए रेड डोरमेट ही था। और अगर ये गतिविधियां इसी तरीके से चलते रहे, अभी भी अगर इनमें सुधार नहीं आया तो वो डोरमेट से डोर क्लोज भी हो सकते हैं। और यही हालत अगर पाकिस्तान की चलती रही, इसी तरीके से जिहादियों को ये प्रमोट करते रहे, उनको अगर इंडिया भेजते रहे, तो कोई भी देश, क्योंकि इंटरनेशनली सबको पता चल गया कि व्हाट यू आर डूइंग, आप असल में क्या कर रहे हो, और जिस चीज को आप कर रहे हो वो इंटरनेशनली आपके कई लीडर्स ने उसको किसी ना किसी तरीके से अपने वक्तव्यों में बता दिया कि दे आर डूइंग दैट। तो इसलिए ये जो समय है, इस ट्रायंगल में अब बड़ा सोच समझ के पाकिस्तान के वजीर आजम को UN में जो भी रखना है बड़ा सोच समझ के रखें, कहीं ऐसा ना हो जो भविष्य में नजर आ रहा है, अगर डोरमैट से डोर क्लोज की बात आ गई, अगर इसी तरीके से जिहाद को आप प्रमोट करते रहे तो आपके लिए विश्व में कोई भी अच्छा देश अपने लिए डोर क्लोज कर, आपके लिए डोर क्लोज कर देगा। उस हालात में आप बिल्कुल पानी में से बाहर निकली हुई मछली की तरह छटपटाएंगे। अभी भी मौका है, अपनी मानसिकता को ठीक करें। कश्मीर इंडिया का इंटरनल मामला है, वहाँ आप मार खा चुके हैं, आगे POK भी इंडिया का एक पार्ट है, उसको भी
मोदी जी ने अपने भाषण में क्लियरली बता दिया है कि व्हाट ही इज गोइंग टू डू। मैं जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह से कुंडली अनुसार खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम इमरान खान के बीच की जो ट्यूनिंग है, जो एक कंपैटिबिलिटी है, वो बिल्कुल जीरो है, उतनी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी न्यून है, मान लीजिए और न्यून हो गई उनकी हरकतों के कारण। और जब कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है, जिसके चलते जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं, उससे आपने कहा कि डोर मैट से सीधा डोर क्लोज होने वाला है, ये आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी। अगर वक्त रहते पाकिस्तान बड़ा कदम सुधा नहीं पाता है, वो तो एक बात हो जाती है, जिस तरह कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, उसी तरह यही कहा जाता है कि पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो मैं ही जानना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जिहाद की मानसिकता के कारण जितने मुस्लिम देश हैं उनमें से किसी ने भी नहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होने का इशारा किया या खड़े होने का साथ देने का कहीं पे भी कोई इशारा नहीं किया। सबसे बड़ा कारण यह है, देखिए इस्लाम के साथ में अगर आप जिहाद को जोड़कर चलेंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, और कोई भी मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस्लाम को खतरा हो। आप इस्लाम के साथ में जब जिहाद जोड़ देंगे, आप विदेशों में जाके इस्लामिक कंट्रीज में जाके जिहाद पीछे से बैकडोर से जिहाद और सामने आपके जो है इस्लाम को आगे रख के पीछे से जिहाद को अगर सपोर्ट करेंगे तो कोई भी इस्लामिक कंट्री जो इस्लाम को मानते हैं आपको सपोर्ट नहीं करेगी। प्रत्यक्ष किम कर्माणम, किसी भी इस्लामिक कंट्री ने इनको साथ नहीं दिया, इनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन साहब मैं जानना चाहती हूँ, जो कि आपने कई बार कहा है और आपने खुद ये जिस तरह से आपने पढ़ा है और जिस तरह से आपने काम किया कुंडलियों को लेकर, आपने बताया कि पीएम मोदी जी के और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से हाउडी मोदी में हमें सब कुछ दिखा मोदी जी के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाना, स्पीच देना, भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताना, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट को लेकर ही चलता है, तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे हर मुद्दे पर, आगे फ्यूचर में जो भी बातें होती हैं, कि क्या मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप का साथ मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए डेफिनेटली मिलेगा, उसका रीजन है जब तक इंटरनेशनल लीडरशिप जिसमें आप माननीय डोनाल्ड ट्रंप ले लेते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं आपके माननीय पुतिन, और चाहे चाइना को भी लेते हैं, चाइना को भी ये समझ आ गई है कि हु इज रॉन्ग और हु इज राइट, और वाकई में पाकिस्तान क्या कर रहा है उनको समझ आ गई है उसकी। अगर जिहादिक मानसिकता को कहीं पे भी जगह मिलती है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। हम तो डूबेंगे सनम, कईयों को साथ लेके डूबेंगे, ऐसी मानसिकता का आदमी कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो वो विश्व के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मास्टर सन बेत्रा जी, जिन्होंने बताया कि कुंडली अनुसार खासकर वजीर आजम इमरान खान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कंपैटिबिलिटी शून्य है, जिसके चलते अभी तो उन्हें कहें कि फुटमैट मिला है, अब कहीं ना कहीं डोर कहें कि डोर क्लोज भी हो सकता है, इनकी बड़ी भविष्यवाणी। वहीं अगर बात करें नेशनली, अगर इन्होंने जिहाद का दामन पकड़े रखा तो जिहादियों के कारण पाकिस्तान को J&K की तरज पर बर्बाद होंगे। जिस तरीके से इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को फोकस में रख के जिहादी ट्रेन करके ये अंदर भेजते थे, वहाँ उपद्रव करवाते थे, रोज ब्लास्ट होता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्मी के कैंप्स पे अटैक हो जाता था, सिविलियंस पे अटैक होता था, क्या नहीं किया इन्होंने, और वो पकड़े गए, उन्होंने अपने मुंह से बताया भी कहाँ से आए हैं और क्यों क्या कर रहे हैं, वो सब उन्होंने बताया भी। तो इसलिए पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, छोटे से ही उसको
पता लग जाना चाहिए कि वेयर ही स्टैंड्स। अगर वो इस चीज़ को आगे रखता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के, जो मैं भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, अगर जिहादी मानसिकता के लोगों को वहाँ शरण मिलेगी, उनको वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, वहाँ उनके अगर कैंप होंगे, तो आप जो है ना, आप कमरे के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते। सैटेलाइट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग आपका जो है सर्वेलेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग आपका जो है विजिलेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग आपकी जो है सिक्योरिटी सिस्टम्स हमारे पास हैं, आप जो भी करते हैं वो वहाँ से छिपता नहीं है। और जब आप ये चीज़ें विश्व के सामने आएंगी तो आपको कोई भी अपने डोर के अंदर नहीं आने देगा, आपके लिए डोर क्लोज हो जाएंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।